दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का देखो भैया संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का गुरु नाम जपते हैं भक्तों से कहते हैं प्यारी लगे माँ जिनवाणी गुरु नाम जपते हैं भक्तों से कहते हैं प्यारी लगे माँ जिनवाणी बार बार कर तेरे दर्शन कर हम धन्य हुए हैं आज दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का ए सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का निराले हैं हर सारी दुनिया में हम लोगों
गुरुवर वाले हैं, अरे जी हम गुरुवर वाले हैं, गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, और सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। दिल्ली वाले हैं, अरे जी हम दिल्ली वाले हैं, अरे दिल्ली वाले हैं, अजी हम दिल्ली वाले हैं। जय कारा गुरुदेव का, जय जय। दोनों हाथों को जोड़ के एक साथ, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जय चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेत कणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य संस्कार प्रणेत ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का। आइए प्रथम गुरु वंदना को लेकर के चले, तैयार है बिल्कुल माइक को लेकर के आदरणीय रमेश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि गुरु वंदना को आप प्रारंभ करें। एक बार आदरणीय बाबू जी के लिए जोरदार तालियां सभी। गुरुदेव का। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहां से जो मैं हारा, कहां जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, ओ दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहां से जो मैं हारा, कहां जाऊंगा सरकार। तेरी याद है आई, दुख में प्रभु जी मैंने प्रीति लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में गुरु जी मैंने प्रीति लगाई। ओए सारा दोसो है मेरा गुरु, सारा दोसो है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ, 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 दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुझसे ही पूछेगा संसार सारा, तुझसे ही पूछेगा संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, ओह डूब गई क्यों नैया, तेरे होते केवल हार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ
जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री सोनम सागर जी महामुनि राज की बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताजी से क्या पाए गुरु वंदना गुरु चरणों में समर्पित करें। हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए। तालियां। और आइए हम भाई श्री अविनाश जी के पास चलते हैं। एक प्रतियोगिता का इन्होंने मिलकर के आयोजन किया था, राखी सजाओ प्रतियोगिता, उसका परिणाम आप घोषित करें, मेरा आपसे निवेदन है। आदरणीय अविनाश जी। जी महाराज की जय। जय कारा गुरुदेव का। श्री भक्तांबर महिला मंडल की अध्यक्ष रेणु जी एक बार यहाँ आ जाए, और ये सारी व्यवस्था रेणु जी के सानिध्य में ही चलती है, खाली अकेला मेरा नहीं कुछ होता। और रेणु जी, आपके सामने सजी हुई राखियाँ रखी हुई हैं, जो रेणु भाभी ने दो तीन दिन पहले राखी सजाओ प्रतियोगिता डाली थी व्हाट्सएप पे, और काफ़ी लोगों ने अपने अपने प्रयास किए, मेहनत की, इसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई हैं। तो
चलिए, इसमें हमने दो कैटेगरी बनाई है, एक बच्चों की और एक बड़ों की। और यहाँ पे विद्वान संगोष्ठी चल रही थी दिन में, जब ये राखियाँ आई थी रेनू भाभी ने मुझे 3 बजे का टाइम दिया था, और हमारे सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर नरेंद्र जी यहाँ बैठे थे, हमने उनसे इन राखी का सिलेक्शन करवाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। इसमें ना रेनू भाभी का कोई रोल है ना अविनाश भाई का कोई रोल है, क्योंकि उस टाइम रेनू संगोष्ठी चल रही थी 3 बजे, तो हमने कहा आप ही हमें मार्गदर्शन करें कि किसको फर्स्ट दिया जाए और किसको सेकंड दिया जाए। तो मैं माइक दे रहा हूँ रेनू भाभी को, भाभी क्रम से बुलाएंगी और उस राखी के बारे में जरूर विशेषता बताएंगी कि फर्स्ट और सेकंड क्यों दिया गया। वंशी सौरभ सागर जी गुरुदेव की। चलिए, एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा था राखी प्रतियोगिता, जिसमें सभी इतने व्यस्त रहे लेकिन फिर भी हमारे पास 3-4-5-6-7-8-9-10 महिलाओं ने खूब मेहनत करके बहुत अच्छे से वात्सल्य दिवस का एक प्रतीक, रक्षाबंधन का प्रतीक गुरुदेव के चरणों में रखा है, राखी प्रतियोगिता पर राखियां बनाई हैं, और आप अभी बाद में देखेंगे तो वाकई उनकी मेहनत साफ साफ झलक रही है। सभी राखियां बहुत सुंदर हैं, फिर भी एक व्यवस्था रहती है, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी व्यवस्था रहती है उसके अनुकूलता देखते हुए आगे हम नाम लेंगे, और उपस्थित हों तो कृपया करके आप समय न गंवाते हुए आगे आते जाएँ, क्योंकि अभी हमको गुरुदेव को भी सुनना है। तो पहले बच्चों से शुरू करें, पहले बच्चों से, बच्चे जो पाठशाला के बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथों से ये कृति बनाई है, सुंदर सुंदर रचना की है। सर्वप्रथम, हाँ मैं लूँ पहले, पहले प्रथम पायदान पर ही आ जाएं, आगे ना जाते हुए पाठशाला थर्ड से लेते, हाँ थर्ड से लेते हैं। तृतीय पायदान पर जो रहे हैं स्वीटी जैन A111, हाँ जी आ जाओ, बिटिया नहीं आई अपना उठा के बिटिया ससुराल में, उधर से उठा लाओ आप गुरुदेव के चरणों में। हाँ, एक बार तालियों से इनका अभिवादन करें, और देख इस राखी को बनाया और पूरा वात्सल्य दिखाया है विष्णु कुमार मुनिराज का, पूरा लाइट जो आग जलती है उसको लाइट के द्वारा इन्होंने प्रदर्शित किया है, और आपको इसलिए आज राखी दी जा रही है, कल आप गुरुदेव की पीछी पर भी राखी बांधें, गुरुदेव की चौकी पर भी राखी बांधें और उनके आहार विहार का भी प्रण लें। बहुत बहुत आपका स्वागत, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए। हाँ चलिए, पुरस्कार के लिए मैं हमारे उप प्रधान मनोज भाई विराजमान है, आइए मनोज भाई A98 सुरजन विहार। मनोज जी, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए इनकी बिटिया है जो ससुराल में है और उसने वहाँ से बना के कल वो देकर गई है परसों कि आप ये गुरुदेव के चरण में रखना, उसने इन्होंने वहाँ तक मैसेज पहुँचाया कि ऐसे ऐसे प्रतियोगिता है। बच्चे अभी भी कार्यरत हैं, धर्म से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। द्वितीय पायदान पर है मनस्वी D64 रत्ना जी की बिटिया, हाँ आ जाइए, और इन्होंने उस राखी पर गुरुदेव का चित्र लगाकर गुरुदेव के द्वारा रचित कृतियाँ उसकी झालर बनाई है और चारों तरफ से वो हिल रही है, उस पर गुरुदेव के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों के नाम हैं और बहुत सुंदर अपने हाथ से, इसमें कोई शंका नहीं है, इनके बच्चे बहुत होशियार हैं, हमारी पाठशाला के अच्छे वाले बच्चे हैं ये सारे, बहुत सुंदर। गगन में करे विहार, अच्छा चलिए आज ये टीटू भाई एक बार इधर, तो प्रथम पायदान पे रही है, देख के आड़ी तो लग गया बच्चों को, हैं फर्स्ट किसका, देख के आड़ी तो लग गया लोगों को, आपको पता चल गया फर्स्ट कौन है बच्चों का, अलग अलग अभी, हाँ बच्चों का उस तरफ है, आप पता लग गया ना, बता कौन सा, मान्या, बहुत बढ़िया, हाँ नाम पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, मान्या प्रथम पायदान पर, मान्या आई नहीं, आई है मान्या, उठा के ला बेटा जी है पूरे समय, और ये उसने अपने हाथ से बनाई है कि हमें रक्षा अपने तीर्थों की भी करनी चाहिए, समय शिखर की रक्षा है, इसको नज़दीक से देखेंगे बहुत सुंदर, ये आपको 11 तारीख को बना के लाना था निर्वाण लड्डू पे, है ना, देखिए इसमें डोर आप देख ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, बुलाइए आ जाइए हमारे भौजी देवेंद्र जी आ जाइए। नमस्कार, वंशिका 113 और सिद्धांत D64 दोनों आ जाए, फिर उसके आगे महिलाओं का नाम लिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ सिद्धांत के लिए रत्ना जी आ जाएं, और वंशिका नहीं 113 नहीं, वो भक्ता, वो मानतुंग महाराज वाली, वो वाली वंशिका,
नहीं नहीं लेकिन नहीं आना। नहीं आई। रमेश भाऊ जी बैठे हैं हमारे, आज ही हमारे बड़े भाई रमेश जी। और 10 महिलाओं ने राखी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। सर्वप्रथम तीसरे पायदान पर संगीता जी श्रेष्ठ विहार, जिन्होंने पचरंगी साड़ी पचरंगी राखी अपने हाथों से बनाई है और बहुत सुंदर बनाई है, आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल। एक एक रिबन को कैसे उन्होंने जोड़ जोड़ के 5 रंग और एक राखी बनाई है। गुरुदेव की, जिनवाणी की, नमोकार की और अरहंत देव की तस्वीर इसमें लगाई है। आइए जी। चलिए हमारे भी जेपी जैन जी आ जाएं पुष्पांजलि से। चलिए बहुत सुंदर। और शास्त्र बनाए हैं जिनवाणी, उसमें छोटे 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 पन्ने भी हैं। गुरुदेव विराजमान हैं और जो नीचे उन्होंने ये रंग बनाए हैं ये ईयरबड से बनाए हैं। फर्स्ट का नाम बताने से पहले आप भी एक बार गैस करिए, वहाँ पे और राखियाँ बची हैं, ज़्यादा नहीं बची हैं। फर्स्ट किसका लगता है आप लोग के अंदाज से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारी च्वाइस गलत हो जाए। चलो अब तो चयन हो गया। अच्छा चयन हो गया, नहीं चयन में हम चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा। चलिए बताइए भाभी जी। सीमा जी श्रेष्ठ विहार 60 नंबर। आइए जी। वामन रूप में विष्णु कुमार के बाद उन्होंने हस्तनापुर की एक विशेष लगाई है, उससे पता चलता है कि ये घटना यहाँ की है। उसमें आहार भी दिखाया मुनिराजों का। चलिए आगे मैं नाम बता देती हूँ फिर भी किस किस की राखियाँ आई हैं, क्योंकि सांत्वना बच्चों के लिए रही है। दीप्ति ए ब्लॉक, रुचि राम विहार, तालियां बजाते रहे, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। शालू 104 पुष्पांजलि, रुचि श्रेष्ठ विहार, रीना जी डी ब्लॉक 107, कोमल श्रेष्ठ विहार, मेघा जी ए ब्लॉक। बहुत सुंदर, आपकी इस कृति के लिए, इस कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम सभी। अपना अभिषेक का रहता है, शांति धारा का रहता है, वैसे ही रहेगा। सर्वप्रथम अभिषेक शांति धारा, उसके बाद गुरुदेव के सानिध्य में नित नियम पूजा, श्रेयांशन भगवान की पूजा, निर्वाण कांड और गुरुदेव के सानिध्य में ही लाडू। समय का विशेष ध्यान रखा गया है और समय से ही आप लोग को आना है और सबको बैठ के श्रेयांशन भगवान के मोक्ष कल्याणक पे लाडू चढ़ाना है। हमारा फिक्स टाइम है अभिषेक क्रिया का और लगभग 6:45-7 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। पहले नित नियम पूजा होगी, उसके बाद श्रेयांशन भगवान की पूजा और निर्वाण कांड, श्रेयांशन भगवान के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में लाडू चढ़ाएंगे, सामूहिक लाडू गुरुदेव जी के सानिध्य में। धन्यवाद, एक बार तालियां बजाइए। जिनने पुरस्कार पाए उनके लिए भी, जिनने दिए उनके लिए भी, जिनने मेहनत की उनके लिए भी, सबके लिए जोरदार तालियां, कम से कम मेहनत की है। आइए, जब रिजल्ट परिणाम निकल ही रहे हैं तो हम भी क्यों पीछे रहें परिणाम निकालने से। आपने वर्ष की राखी के दिन परिणाम घोषित करे और सबको पारितोषित दिया है। हम 15 दिन के एक सप्ताह एक पक्ष की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने प्रथम पक्ष में जब जाप पे आराधना करी, प्रथम पक्ष में जाप पे हुई थी 5,22,072 जाप मंत्र आप सभी ने मिलकर के जाप कक्ष में किए थे। विगत इन 15 दिनों में चतुर्दशी से चतुर्दशी तक, आज दोपहर तक जिन जिन ने अपनी काउंटिंग उसमें रजिस्टर में लिखी, उन सभी को गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है। एक बार दोनों हाथों को जोड़ें, जुड़े हुए हाथों के साथ गुरुदेव किसी चरणों में नमन और वंदन करें, एक साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, जयकारा गुरुदेव का। आइए, तो महानुभाव प्रथम पक्ष में जहां 5,22,072 जाप मालाएं की गईं, जाप मंत्र किए गए, तो इस पक्ष में उससे तिगनी माला, तिगने जाप मंत्र कितने, 15,04,224 तिगने हुए सीधे, कितने हुए हैं 15,04,224 जाप मंत्र
अभी आपने इस पक्ष में किए हैं, तो हम पहला और दूसरा पक्ष मिला करके यदि टोटल करते हैं तो अभी तक एक महीना, क्योंकि हमने 20 तारीख की कलश स्थापना की थी और 18 तारीख है, हमने एक महीने में 20,26,296 जाप मंत्र जाप कक्ष में किए हैं, जिसके लिए हम सभी उनका धन्यवाद ज्ञापित यहाँ पर करें। उन श्रावक श्राविकाओं का लगभग 140 श्रावक श्राविकाओं ने उस कक्ष में जाप पे आराधना की है। बाहर से आने वाले भी हों, चाहे स्थानीय हों, महिला पुरुष हों या फिर बच्चे हों, सबने मिलकर के पूरे मनोयोग के साथ जाप पे आराधना वहाँ पर की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें जाप आराधना करने में सभी का योगदान रहा है। सभी में श्रावक जिन्होंने जाप किए हैं, जिसमें नाम मुझे समझ में आए हैं, हो सकता है किसी ने कुछ इंग्लिश में लिखा हो, मैं ना समझ पाया हूँ, हो सकता है, लेकिन जो मुझे समझ में आए जिस हिसाब से नाम लिखे थे, हो सकता है राकेश लिखा हो रीना पढ़ा गया हो, रीना लिखा हो राकेश पढ़ा गया हो सकता है, हैं पता नहीं क्या क्या वीक है, तो मैं क्या बताएं। इसलिए लगभग, वैसे गुंजाइश नहीं है, फिर भी लगभग 42 श्रावक अर्थात पुरुषों ने जाप कक्ष में जाप मालाएं की हैं, एवं 99 महिलाओं ने, श्राविकाओं ने उस कक्ष में बैठकर के जाप आराधना की है। तो मेरा निवेदन है, रेशो डबल है, क्या है, अनुपात एकदम से डबल है, इसलिए जोरदार तालियां दोनों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जिन्होंने वहां पर आराधना की है। और इस पक्ष में जिन्होंने सर्वाधिक जाप मालाएं की हैं, मैं उनके नाम पुकारता हूं। सबसे पहले जिन्होंने सर्वाधिक जाप मालाएं की हैं, श्रीमती मोनिका जैन सूरजमल विहार, सूरजमल विहार, जिन्होंने 1600 कितनी 1600 जाप मालाएं की हैं। एक बार जोरदार तालियां, ये 238 मोनिका जैन, 1600 जाप मालाएं यहां पर हैं, नहीं है, नहीं आई हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। दूसरे स्थान पर हैं पूज्य गुरुदेव की सेवा में जो सदैव संलग्न रहते हैं, भाई टिन्नू जैन, टिन्नू भैया ने, टिन्नू भैया ने 989 जाप मालाएं की हैं, हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और तृतीय स्थान पर हैं श्रीमान जेपी जैन जी पुष्पांजलि, जिन्होंने 765, एक बार जोरदार तालियां, आगे आइए। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय धन कुमार जी हमारे बीच में हैं बाहुबली क्लिप से, कि आप यहाँ पर आए एवं आपको यहाँ पर पुरस्कृत करें। एक पुरस्कृत क्या है, तो आपका बहुमान बढ़ा रहे हैं कि आप अभी तो आपने 765 की हैं, निरंतर आप वृद्धिशील हो करके और भी जाप मालाएं करके उन कलशों में वह ऊर्जा को करते रहें जिससे वह मंत्रित हों। एक बार जोरदार तालियां, आपने एक मिनट धनकुमार जी यहीं रहिए बाबू जी, हाँ, आपने 514 जाप मालाएं वहां पर की, एक बार जोरदार तालियां, तालियां कमजोर हैं आपकी, करने वाले के हम नहीं कर रहे, तालियां तो बजाइए। जैन बी 72 314 मालाएं, तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां। एक पावन चरणों में चलना है, गुरुदेव की वाणी को भी श्रवण करना है। जिज्ञासा जिस किसी की है, जिस किसी की जिज्ञासा है, जो भी जिज्ञासा है, मैं अपने स्थान से खड़े होकर के आप यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही हम सभी को पूज्य श्री के श्री चरणों से जोड़ेगी। जाए और कल का आप सभी को ध्यान रखना है, सुप्रभात भक्ति नियत समय 5:15 पर प्रारंभ होगी, तत्पश्चात हम और आप सभी मिलकर के मंदिर जी में अभिषेक शांतिधारा सालूना पर्व पूजन करते। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे तिथियों का बहुत महत्व होता है जैन धर्म में,
भगवान के कल्याणक भी तिथि के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। पूजा का जब समुच्चय अर्घ चढ़ता है तो उसमें भी हम तिथि के बार तिथि बोलते हैं। तो ऐसे हमें अपना बर्थडे या और कोई भी इम्पोर्टेंट डेज जो होते हैं वो भी तिथि के अकॉर्डिंग मनाने चाहिए या फिर डेट के अकॉर्डिंग मना सकते हैं? धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कल राखी का त्यौहार है, तो गुरुदेव हम मंदिर में राखी बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते, और अगर बांध सकते हैं तो क्यों बांधते हैं? गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धन्यवाद। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी शंका ये है कि जैसे मंदिर जाने में 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है, तो वैसे उपवास करने से फिर क्या मतलब, क्यों उपवास करें फिर हम? फिर तो मंदिर जाने से ही उपवास का फल मिल गया ना, ये मेरी शंका है। नमो नारायण श्री। हम भक्तामर का पाठ पढ़ते हैं, कई बार हम 11 बार पढ़ते हैं, कई बार 21 बार पढ़ते हैं। कोई कहता है कि जब पानी रखते हैं फूंक मार के पी लो उस पानी को, कोई कहता है क्रॉस करके पियो पानी को। पानी पीना चाहिए या नहीं, उसका क्या फ़ायदा है या नहीं है या नहीं होता है शुभ का? और लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई भी विधान नहीं है। हमने देखा पुरुषों में परिवार में अगर कोई होता है तो वो हर कार्य में हाथ भी लगाते हैं, मंदिर के भी सभी कार्य करते हैं। तो ऐसा क्या उचित है कि जिसका जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, विधवा हो, वो शुभ कार्य करेगी तो वो कार्य अमंगल होगा? कृपया इसका समाधान करें। और कई बार वो स्त्री अगर आरिका बन जाती है आगे जाकर तो वो मंगलमय हो जाती है, तो इस चीज़ का भी समाधान करें। नमो भगवान। अंतिम जिज्ञासा रीटा भाभी जी। नमोस्तु भगवान। अभी भगवान आप एक दिन कह रहे थे कि सुबह उठकर अगर सबसे पहले मंदिर के कपाट हम खोलें तो भगवान की जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। ऐसे गुरुदेव जब सुबह गुरुदेव दरवाज़ा खोलते हैं जब सबसे पहले अपने, तो हमने इस चीज़ को महसूस किया कि उनकी ऊर्जा भी हमें एकदम से महसूस होती है कि हमारे अंदर आ रही है। ये बात सही है, ये मैंने महसूस करी गुरुदेव। धन्यवाद। आइए दोनों हाथों को जोड़िए, एक साथ गुरुदेव चरणों को चलें, दोनों हाथों को जोड़ करके बोले हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जोले परम पूज्य संस्कार प्रणताचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा। गुरुदेव का चलिए पहला कौन सा था, कौन सा था पहला? जिसने जैसी कुंडली बनाई हो उसी के हिसाब से अपनी शुभ तिथि बना ले। वे कई लोगों की कुंडली तिथि के हिसाब से बनाते हैं पुराने ज्योतिष, और कई लोग तारीख के हिसाब से, दोनों की मान्यता है। बस लोगों की एक कमी आ गई है, महावीर जयंती को जन्म लिए तो लोग तिथि के हिसाब से देख लेते हैं, और 2 तारीख को जन्म लिए तो 2 तारीख देख लेते हैं। ये मान्यता है। तो अंक ज्योतिष तारीख के हिसाब से है, कौन से ज्योतिष, और पंचांग ज्योतिष तिथि के हिसाब से है। और आप दोनों मनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, 7-8 दिन के अंदर में दोनों आ जाएगा। हाँ हाँ, दोनों आ जाता है, 7-8 दिन में दोनों आ जाता है, क्योंकि 7-8 दिन का ही थोड़ा सा गैप आता है, इससे ज़्यादा आता भी नहीं, इसलिए दोनों से मना सकते हो। लेकिन महत्ता तिथियों की इसलिए दे दी गई है कि उस समय जो गोचर बना हुआ है सूर्य चंद्रमा का, वो तिथियों के हिसाब से है, इसलिए उसकी अपनी मान्यता है। और अंक ज्योतिष वर्तमान के गणित के हिसाब से टाइम कैलकुलेशन निकाला है और वैसा बनाया गया, दोनों चीज़ें वही है। इसलिए 24 घंटे घड़ी में भी है, वैसे ही 24 घंटे उसमें हो जाता है, 8 पहर में सब हो जाता है। तो एक सेटिंग है, ये क्या चीज़ है, ये सेटिंग है। तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे कौन है? रक्षा की भावना से रक्षा सूत्र बनाया गया है। किसकी भावना से? तो मंदिर में भी बांध सकते हो, तलवार में भी बांध सकते हो, कमल में भी बांध सकते, कलम में भी बांध सकते हो, ये सब व्यवहारिक चीज़ें, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है? केवल हमारी भावनाओं से संबंध है। किससे संबंध है? जैसे बहन की का कलम ने बांध दिया भाई को, ये भावनाओं का संबंध है, धर्म का कोई संबंध नहीं है। पीछे में बांध दिया, ये व्यवहार का संबंध है, धर्म का कोई संबंध नहीं है। क्यों? एक आस्था है, बोले चलो भाई।
एक भावनात्मक चीज़ें होती है, तो भावनात्मक चीज़ों में कई बार प्रश्न नहीं होते हैं, केवल उसकी प्रसन्नता होती है, उसकी श्रद्धा होती है। तीसरे नंबर पे कौन है? अपने प्रश्न भूल गए? मंत्र को फूकने के एक भाव है, क्योंकि मुख से उच्चारण हुआ है इसलिए अभिमंत्रित है, और जल चीज ऐसी है जो मंत्र को पकड़ता है, जैसे करंट को जल्दी जल पकड़ता है, लोह तत्व पकड़ता है। तो इसलिए जब भी भक्त अमर का पाठ करते हैं तो कहते हैं, अगर जल पीना है तो फूक मार दिया पवित्रता के लिए। क्रॉस इसलिए बताते थे कि कोई बीमारियों को काटना पड़ता है, इसलिए वो कहीं कहीं पे क्रॉस भी बना देते हैं। ये व्यवहारिक, जिसे आधुनिक शब्दों में टोना कह देते हैं, टोटका कह देते हैं, लेकिन ये सब मंत्रों के साथ एक भावानुभूति है। कौन सी अनुभूति है? भावानुभूति है। तो वो एक प्रतीक माना गया है। हाँ, तो ये किसका था? भक्त अमर वाला। तो आप भूल गए थे अपना प्रश्न, तो फिर उत्तर इतनी देर सुन रहे थे, गजब हो गया। इसीलिए तो मैं उपवास नहीं करता हूँ, मालूम है जब नीछे जाने से करोड़ मिल रहा, काय को छोड़ूँ यार। शास्त्रों में लिखा है, मतलब मान्यता है, इसलिए भावनात्मक चीजें हैं, ताकि आपके भीतर धर्म के प्रति आस्था के भाव जागृत हो जाएं। किसके प्रति? मंदिर के प्रति, मूर्तियों के प्रति आस्था जागृत रहे। और किसका है? पुरुषवादी संस्कृति है, इसलिए स्त्रियों को नकारा गया है। किसको नकारा गया है? स्त्रियों को। मंगल और अमंगल सामान्य चीज़ें बताई गई है सद्भाव के साथ, इसलिए कहीं पर लिख दिया गया है, इसलिए वो मान्यता है। अगर स्त्री में वो चीज़ स्वीकार है तो पुरुष में भी वो चीज़ स्वीकार होनी चाहिए। जैसे मेरी भावना पढ़ते हो तो पुरुष पढ़ता है तो परधन बनिता पर्ण लुभाव बोलेगा, और अगर महिला पढ़ेगी तो बस इतना अंतर आ जाता ना दोनों में, बस वैसी अंतर यहाँ कर लेना चाहिए। लेकिन पुरुषवादी मानसिकता में ये चीज़ को स्वीकार किया। दूसरे नंबर पर स्त्री अगर पति रहित है तो इसलिए विशेष रूप से मंच पे सामूहिक रूप से नहीं प्रश्रय दिया जाता है, क्योंकि दुनिया की निगाहें खराब है, कह दे कि इसका कोई मालिक नहीं है। दिमाग खराब न हो, विचार खराब न हो, इसलिए भी उसे सावधान रखा गया। आरिका का रूप संन्यास का रूप है, और संन्यास कोई भी ले उसकी अपनी मान्यता है। क्या है? मान्यता है। संन्यास तो क्या है? सामने आया गया है कि एक चोर भी जा रहा, चोरी करके भागा, देखा मैं पकड़ में आने वाला हूँ, जंगल में साधु के पास गया, दीक्षा ले ली, तो पकड़ने वाले भी कहता है नमोस्तु महाराज, आपने तो बहुत सुधार लिया, हम तुम्हारे पीछे आज भी भटक रहे। तो संन्यास का अपना महत्व है। किसका महत्व है? संन्यास का। यह सहज स्वीकृत है। तो संन्यास में त्याग भावना है, इसलिए आरिकाओं को सर्वोत्तम सम्मान के रूप में आरिका का पद दे करके सम्मानित पूजित बनाया गया है। इसलिए आरिका कैसी भी हो मान्य है, पूज्य है, वंदनीय है। और किसका था? वो प्रश्न थोड़ी ना था, वो तो भाव थे, वो तो भाव थे। आप ही लोग कहते हो फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव, पहला दर्शन, तो ये सब चीज़ें पहले एक भावनात्मक होती है, और वो भावना हमारी भी अच्छी होगी, क्योंकि उस समय उस भाव के साथ निकले जो भी हैं, हे प्रभु उसकी शुभ भावनाएं परिपूर्ण हो। तो जो भी हमारी साधना रात भर बैठे हैं, सामायिक की है, पाठ किया है, उसमें वही आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं कि जो भी रास्ते में मिले सबको पहला वही आशीर्वाद है। उसके उपरांत रोटी में तुम नमोस्तु कर रहे हो, हम आशीर्वाद कर रहे हैं, एक भावनात्मक होता है। तो एक सवेरे शाम एक सामूहिक रूप से एक भाव होते हैं, मंदिर में भी वैसी ऊर्जाएं होती हैं, तो एक अलग ही भाव पैदा हो जाते हैं। इसलिए वो समान रूप से कहा गया प्रथम दर्शन। वो जिनेन्द्र भगवान के भी होते हैं, संतों के भी होते हैं, और भावनात्मक होती है। भावनात्मक में कब किसके मन में आ जाए कुछ पता नहीं चलता है, ये चीज़ें। चलिए अच्छी बात है, बस इतने प्रश्न थे पूरे हो गए। जाप करने वाले तो हो गए हैं बहुत सारे,
पिछली बार 164 लोगों ने जाप किया था, इस बार घटोत्तरी हुई, 140 लोगों ने किया है। क्या हुआ? घटोत्तरी हुई है करने वालों में, लेकिन जाप की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले 5,22,000 जाप थे और इस बार 14,92,000 जाप हैं। इतना अंतर आ गया है। देखो, जब आपको गाली बकी तो आपने ताली नहीं बजाई, उसमें भी बजा देते, नुकसान क्या था? अपनी गलती स्वीकार तो कर लेते, उसमें क्या हो गया? भाई ये लिखा हुआ है 164 पहले किया था और 140, 15 लोगों की घटोत्तरी हुई। प्रथम पक्ष में 5,22,000 जाप हुए थे और द्वितीय पक्ष में 14,92,000। इसमें 14 लाख में तो करीब 3.5-4 लाख जाप तो उन्होंने ही कर लिया है जिन्होंने नियम लिया होगा, क्योंकि 15 या 20 या 25 ये सब ने जाप किया है, क्योंकि जो भी 300 से ऊपर जाप है लगभग उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 15 का हिसाब बना लिया। कितना हिसाब बना लिया? और 400 साढ़े 400 ऊपर है, उन्होंने बना लिया होगा कि 30वां चौमासा है तो 30 माला तो कम से कम कर ही ले। तो इस प्रकार से उनके टेटू बड़ा गौर से देख रहा है कि महाराज जी वो खींचने वाला कब बताएंगे, वो खींचने वाला ही देख रहा है अभी कि वो कब बताएंगे। जाप करने वाले हैं और जाप करने वाले करने चाहिए, है? हाँ वही तो बोला था कि कैसे कैसे पटपट करते हैं, लेकिन जाप करने वाले हैं और जाप तो बहुत करते हैं। अभी इसमें एक नाम आया था मोनिका जैन, 1600 जाप है। कितनी जाप है? 1600 जाप। उसको प्रवचन में ज़्यादा रुचि नहीं रहती, गुरु भक्ति में रुचि नहीं है, उसको पूरी रुचि जाप में है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार ने जब कृष्णानगर में चातुर्मास किया था तो करीब 10-15 लाख जाप तो उन्हीं के परिवार से हुए थे, उनके चारों बहुएँ, उनकी माँ, उनके पति, सारा का सारा परिवार उस जाप का, क्योंकि पहला कलश उन्होंने ही स्वीकार किया था। उसका अभ्यास है। बोले महाराज जी प्रवचन तो जो है वो बात हम लोगों का नियम हो गया है, थोड़ी बहुत चीज़ें संसार की रहती है जिंदगी, तो वो नियम है तो उनके जाप चलते रहते हैं। दूसरे नंबर पे जाप कर रहा, तीसरे यहाँ पर आ गए हैं JP जैन, कम से कम 700 तक पहुँच गए हैं। कहाँ तक पहुँच गए हैं? 700 जाप तक तो पहुँच गए हैं। और जाप करने वाला कर लेता है, 4 घंटे तक भी अगर यहाँ बैठा, 5 घंटे तक भी, तो उसकी जाप आराम से 100 तक पहुँच जाती है, क्योंकि 2.5 या 3 मिनट में होती है। तो 30 माला 40 माला हो जाती है। तो इसमें जाप करने वाले देख रहे हैं कितने सारे लोग खड़े हुए थे, उनसे पता लग रहा है कि कितने लोग जाप कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने किया है। अब सोच 140 जाप वाले भी हैं, कोई बात नहीं, कम से कम 10-10 जाप तो रोज का कर ही लिया है, 10 दम 100 और 10 बच्चे 50, 140-150 तक पहुंच गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, 14 लाख जाप और 14 और 5, 20,14,000 जप हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 1 महीने में 20 लाख, 2 महीने में 40 लाख, 3 महीने में 60 लाख, 3.5 महीने में 70 लाख, उसमें से 30 लाख तो गड़बड़ होगा ही होगा, 50 लाख हो जाएगा। हाँ हाँ, समझ में आ गया ना? और डिटेल में बताऊं तो मेरा कोटा तो पूरा होगा। क्या पूरा होगा? कोटा तो पूरा होगा ही होगा। इसलिए जाप करने वाले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाप करने वाले का खुद का लाभ है। किसका लाभ है? स्वयं का लाभ है, स्वयं की रक्षा है, स्वयं की सुव्यवस्थितता है। इसी प्रकार निरंतर जप करते चले जाएं इसी भावनाओं के साथ चलिए। और किसी को 1,25,000 जप का संकल्प करना हो तो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। पुराने जो कर लिए हैं, 30 लोगों ने उस समय कर लिया था, करीब 28 लोगों ने, कितने लोगों ने कर लिया था? 28-30 लोग, है ना, इतना ही कर लिया था। बाकी और किसी को लेना हो, नहीं तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पहले से गर्दन हिला रही है, किसी को लेना हो तो ले सकता है, बाकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जाप कर ही लेंगे। चलिए हाथ जोड़िए, लहरात उपवन है पुष्प दंत जी का, लहरात उपवन है पुष्प दंत जी का,
जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्प दंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खानी सोनी चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम कीरत ना कर, मैं अब गुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। सोने के पूर्व एक माला अवश्य ही फेर ले। जय बोले प्रभु जी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का। आइए अपने अपने हाथों में मंगल में मंगल दीपक ले लेंगे और अपने आराध गुरुदेव के पावन सी चरणों Hey, 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 hey
गुरुवर मेरे दिल्ली वाले हम सब को तारे तेरी आरती हो चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।